योग प्राणायाम आसन सूक्ष्म व्यायाम का हम अभ्यास अपने शरीर को निरोग बनाने के लिए करते हैं और यह परंपरा हमारे पुरखों का है और ये अभ्यास हम अलग अलग तरीके से अनुकूल परिस्थितियों के माध्यम में हम सब अपना करके और शरीर को हम स्वस्थ करते हैं। तो आइए आंख बंद करते हैं और आज योग शिविर के दूसरे दिन के प्रातःकालीन सत्र का हम शुभारंभ करेंगे। धीरे धीरे सांस भरिए, भौरे जैसा गुंजन करेंगे तीन बार। सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी दिव्यात्माओं को एक बार पुनः प्रणाम करते हैं और धीरे धीरे हम सभी आंखों को खोलेंगे। अब हम धीरे धीरे सांस को भरेंगे छोड़ेंगे। कल मैंने आपको बताया था भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए अभ्यास, इसमें धीरे धीरे सांस को भरना, धीरे धीरे सांस को छोड़ना। तो आइए हम इसका अभ्यास शुरू करते हैं। आंख बंद कर लीजिए, सबकी आंखें बंद हो, मन शांत, चेहरे पर मुस्कान, चेहरे पर खिंचाव तनाव नहीं। धीरे धीरे सांस को हम फेफड़े में भर रहे हैं, धीरे धीरे प्राणवायु को फेफड़े से बाहर करने का अभ्यास कर रहे हैं। बहुत होशियारी से, बहुत ईमानदारी से आप 100 वर्ष तक जिंदा रहने के लिए, और वह भी 100 साल तक हम जिंदा रहें और शरीर में कभी भी कोई बीमारी ना हो, उसके लिए अभ्यास कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम का। जितना धीरे धीरे सांस भरेंगे, हम सब का धन कैमरा, सबकी आंखें बंद और ध्यान सांस को लेने और छोड़ने पर लगा हुआ। सांस को जब आप भरें तो मन ही मन विचार करिए, मन ही मन एक भाव पैदा करिए कि ऊपर वाले ने जितने सारे दुनिया को बनाया, पेड़ पौधे, सूरज चांद सितारे, वो कितना महान है, कितना दयालु है, कितना विराट है, कि हम सबको कुत्ता क्यों नहीं बनाया,
शेर क्यों नहीं बनाया, हाथी क्यों नहीं बनाया, चीटी क्यों नहीं बनाया, इंसान मानव ही क्यों बनाया। सांस को भरते रहिए। हम पिछले लाखों जन्मों में बढ़िया कार्य किए, बढ़िया विचार रखे, बढ़िया आचरण रखे, तभी जा कर के हम कुत्ता सियार ना होकर के आदमी में जन्म लिए। हम उस माँ बाप को भी प्रणाम करते हैं जिसने हमें जन्म दिया और हमें इस धरती पर अवतरित होने में अपनी भूमिका को प्रमाणिकता के साथ निभाया। धीरे धीरे सांस भरिए। रक्त शुद्धि का अभ्यास कर रहे हैं। सांस लेने और छोड़ने में थोड़ी सी भी कोताही नहीं। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, ध्यान थोड़ा सा इधर सुधर हो जाए, यानी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, उसी प्रकार सांसों के इस अभ्यास को विधि पूर्वक 5 सेकंड तक लेना और 5 सेकंड तक छोड़ने का आप आज महसूस करिए कि कल मैंने जितना सांस ले रहा था उससे ज्यादा आज मैं सांस भर रहा हूँ। अब इसकी गति को थोड़ा बढ़ाते जाइए। ये अभ्यास 5 मिनट तक जब हम करते हैं जब भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास 5 मिनट हम प्रतिदिन करेंगे तो 5वें दिन से ही आपको यह समझ में आएगा, महसूस होगा कि हमारा हृदय मजबूत हो रहा है, नस नाड़ियों की जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। ये अभ्यास करने से जिनका शरीर में सूजन आ रहा है, जोड़ों में दर्द है, हृदय की बीमारी है, हार्ट अटैक होने की संभावना है, लकवा लगा हुआ है या लकवा मारने की संभावना है, गैस कब्ज की समस्या है, थायराइड से लेकर के बवासीर नकसीर तक की जो समस्याएं हैं, मधुमेह की समस्या है, धीरे धीरे अभ्यास को करें। इस अभ्यास को अब तेजी से कर लेते हैं 1 मिनट का। आंख बंद करके सांस को तेजी से भरिए और छोड़िए। ये जीने की कला है। आदमी को न जीने आ रहा है न मरने आ रहा है, मरता भी है तो कैंसर से मर रहा है, घुटना दर्द से मर रहा है, हार्ट अटैक करके मर रहा है, माइग्रेन से मर रहा है। इस अभ्यास को अब रोक देते हैं।